आपका स्वागत है। से आज के कुछ खास खबरें। मुजफ्फरपुर में 9 बच्चों की मौत को लेकर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर लगाया आरोप। बिहार राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव ने राजभवन तक मार्च किया। साथ ही राज्यपाल सत्यपाल मलिक को बिहार के प्रतिपक्ष के नेता ने ज्ञापन सौंप कर 9 बच्चों की मौत पर भाजपा नेता को बचाने का आरोप नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी पर लगाया है। और राजद नेता ने आरोपी भाजपा नेता को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी दोनों अपराधियों को बचा रहे हैं। मुजफ्फरपुर हादसे का आरोपी भाजपा महामंत्री है और सुशील मोदी का काफी करीबी है। तेजस्वी ने आगे कहा कि पीड़ित परिजनों ने मुझे बताया कि आरोपी भाजपा नेता हादसे के वक्त नशे में था। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि टोल प्लाजा के पास आरोपी सफेद कुर्ता में ड्राइविंग सीट पर बैठा है। जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव ने फिर कहा कि मुजफ्फरपुर की घटना में मासूम 9 बच्चों की मौत हुई है। बोलेरो से कुचलकर मारने वाले बीजेपी नेता पर तुरंत कार्रवाई हो और नीतीश सरकार को पीड़ितों के परिजनों से तुरंत माफी भी मांगनी चाहिए। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए मुझ न्यूज़।